नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फूड रेसिपी विद रॉय चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज हम हमारी रेसिपी में बनाने वाले हैं भकोसे। भकोसे बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम दाल ली है चने की, और साथ ही उड़द की दाल ली है धुली हुई, ये लगभग 50 ग्राम है। इन्हें हम हल्की गुनगुने पानी में भिगो देंगे। इसे हम लगभग 2 घंटे तक भिगो कर रखेंगे। उसके बाद हम भकोसे बनाएंगे। दाल को भिगो हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है, तो इसे हम वॉश कर लेंगे अच्छे पानी से 2-3 बार। दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही भकोसे बनाने के लिए हम अब इसका आटा तैयार कर लेते हैं। आटा लगाने के लिए हम यहाँ नॉर्मल आटा लेंगे 250 ग्राम। साथ ही हमने लिया है चावल का आटा, लगभग 100 ग्राम है ये। और इसी में डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और इसी में डाल देंगे हम रिफाइंड तेल। आप चाहे तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 चम्मच तेल लिया है। अब इसे हम गूथ लेते हैं। गूथने से पहले हम तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमें ज़्यादा पतला या सख्त नहीं गूंदना है। यहाँ हमें नॉर्मल जो हम रोटियों के लिए बनाते हैं या पराठों के लिए बनाते हैं वैसा हमें आटा गूंथना है। तो अब हम आटा गूंथ लेते हैं। पानी हम धीरे धीरे ही डालेंगे इसमें। ये देखिए, आटे का डो हमारा तैयार है एकदम, और इसे हम 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक आटे का डो रेस्ट करता है, हमने भकोसे के लिए कुछ नॉर्मल सी सब्जियां ली हैं, इन्हें हम कट करेंगे। सब्जियों में हमने ऐड किया है बीन्स ली है लगभग 10 से 12, एक ली है शिमला मिर्च, 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, 4 छोटी मिर्ची ली है और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली है, हरा धनिया लिया है। तो हम इन सभी को कट कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है हमें। सब्जियां हमारी कट चुकी हैं। अब इसी के साथ हम दाल को भी पीस लेते हैं। दाल को हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसे हम दरदरा सा रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, इसे पतला नहीं करना है हमें। लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और इसे हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, बारीक नहीं करना है। मिक्सी को हम धीरे धीरे चला कर पीसेंगे क्योंकि एकदम गाढ़ी है। दाल को अब हम पीस लेते हैं। ये देखिए, दाल को हमने दरदरा सा पीस लिया है, इसके दाने जो है नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम ये सब सब्जियां ऐड कर देंगे। और इनके साथ डाल देंगे धनिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम लाल मिर्च लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे काला नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे नॉर्मल नमक जो डेली यूज में आता है, 1/2 चम्मच के करीब डाल रहे हैं एवरेस्ट मसाला, 1/4 चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच के करीब डाल देंगे हींग। हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और क्योंकि इसमें चने की दाल है तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, इसलिए हम हींग डाल रहे हैं। सब्जी और मसालों को हम दाल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और आटे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट हो चुकी है। तो अब इसे भी हम देख लेते हैं। आटा हमारा एकदम रेडी है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। लोइयां हम बिल्कुल पूड़ी की साइज की लेंगे, ज़्यादा बड़ी लोइयां नहीं बनानी है हमें। ये देखिए एकदम पूड़ी की साइज की लोई है। इसी तरह हम सभी लोई को बना लेते हैं। सभी लोइयां हमारी बनकर तैयार है। साथ ही हमने एक भगोने में पानी लिया है, लगभग आधे भगोने के करीब पानी है और इसे हम उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। साथ ही भकोसों को स्टफिंग भरकर भी हम तैयार करते हैं। लोइयों को अब हम बेल लेते हैं। इस पर हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे। आटा लगाने से ये चकले पे चिपकेंगे नहीं और इसे हम पूरी के साइज का बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसे पूरी का साइज का बेल लिया है और इसमें हम इसको इस तरह से उठाएंगे और एक चम्मच इसमें हम स्टफिंग भरेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे दोनों जॉइंट को और इसे हम गुंजिया की शेप दे देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम और भी भकोसे से बना लेते हैं। ये देखिए हमारे सभी भकोसे बनकर तैयार हैं। साथ ही पानी में भी बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। तो हम सभी भकोसों को बॉईल करने के लिए पानी में डाल देंगे। हमें उबलते हुए पानी में डालना है इन्हें। अगर आप इसे ठंडे पानी में डाल देंगे तो जो आटा है वो पानी में घुल जाएगा। आप इन्हें एक साथ भी ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। धीरे धीरे डालने से पानी का टेम्परेचर है जो ठंडा नहीं होगा। सभी भकोसों को हमने पानी में बॉईल करने के लिए डाल दिया है। अब पानी में उबाल आने के लिए हम इसे ढक देते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है तो हम इसे पूरी तरह नहीं ढकेंगे। इसे हम थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे और इसे इसी तरह 20 मिनट तक हम उबलने देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुकी है इन्हें बॉईल होते हुए, तो गैस को कर देते हैं बंद। भकोसों को निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। सभी भकोसे हमने बाहर निकाल लिए पानी से। अब इन्हें हम दो पीसेस में कट कर लेंगे। सभी भकोसों को हमने दो हिस्सों में कट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम दो चम्मच घी डाल देंगे। घी को गर्म कर लेते हैं। घी गर्म हो चुका है तो एक चौथाई चम्मच डाल देंगे राई और इसी के साथ डाल देंगे एक चौथाई चम्मच जीरा। साथ ही लिए हमने 10 से 15 कड़ी पत्ते और थोड़ी सी लिए हरी मिर्च। इन्हें हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इन्हें हम हल्का सा भून लेते हैं। राई और जीरा हल्के से तड़क चुके हैं और इसी में डाल देंगे हम भकोसे। इन्हें हम अच्छे से गैस को कर देंगे मीडियम और इसे हम लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। लगभग 2 मिनट हो चुकी है इन्हें एक तरफ से फ्राई होते हुए, तो इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक को हम चारों तरफ फैला कर डालेंगे, इससे ये फीके फीके नहीं लगेंगे। और साथ ही डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इसे भी हम इसी तरह फैला कर डालेंगे। इससे मसाले की बहुत ही अच्छी कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर और इसे हम साइड को चेंज कर देते हैं।
अब इसे भी हम इस साइड से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। लगभग 2 मिनट हो चुकी है, डोकोसो को फ्राई कर दिया है और अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में, गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। डोकोसो तैयार हैं, गर्मा गर्म इन्हें हम इमली की चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व करें, या चाहे तो आप इसे मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।